हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के प्रश्नों को, जो कि अभी अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, इन्हीं प्रश्नों को परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा पर हैं। दो स्टेशन ए और बी, ये दोस्तों क्या है? एक सीधी रेखा पर है, ठीक है, एक सीधी रेखा पर 110 किलोमीटर की दूरी पर है। इनकी दूरी कितनी दी गई है? 110 किलोमीटर की दूरी है। ए और बी एक सीधी रेखा में दो स्टेशन है, इनके बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। अब क्या कह रहा है? एक ट्रेन सुबह 7 बजे शुरू होती है और 20 किलोमीटर की चाल से बी की ओर जाती है। देखिए, 7 बजे एक ट्रेन शुरू हुई ए से, जब बी की ओर जा रही है दोस्तों तो ए से शुरू हुई होगी, तो ए से शुरू होगी और बी की तरफ जा रही है। कितने की चाल है दोस्तों? यहाँ पर 20 की चाल से जा रही है 7 बजे। फिर क्या कह रहा है? एक ट्रेन सुबह 8 बजे बी से शुरू होती है, बी से शुरू होती है दोस्तों कितने बजे? 8 बजे शुरू होती है और 25 किलोमीटर की चाल से ए की ओर जाती है। 25 की चाल से जा रही है ए की ओर, चाल कितनी है? 25 की। अगर आप प्रश्न को नहीं समझा तो प्रश्न में गलती कर दोगे। देखिए कैसे, यहाँ पर टाइम है 7 बजे का, यहाँ पर टाइम है 8 बजे का, अलग अलग टाइम है, तो सबसे पहले तो टाइम को एक ही बना लीजिए। तो देखिए, 8 बजे का ये टाइम है, तो मैं क्या करूँगा, इस 7 को भी 8 बना लूँगा। ये ट्रेन 7 बजे चली है 20 की चाल से, तो एक घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 20 किलोमीटर की, ठीक है। एक घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 20 किलोमीटर की। तो 7 बजे चली, यहाँ से मान लीजिए इस बिंदु से चली 7 बजे, और एक घंटे में कितनी किलोमीटर की दूरी तय की इसने? 20 की। एक घंटा हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ कितने बज गए? 8। 110 किलोमीटर की दूरी में से 20 किलोमीटर की दूरी एक घंटे में तय कर ली, तो 110 में से अब दूरी कितनी बची? 90 की बचेगी। जब 20 किलोमीटर तय हो चुकी तो 90 की बची। समझ में आई बात? अब यहाँ भी टाइम 8 का हो गया, यहाँ भी टाइम 8 का हो गया। एक बात और समझिए, यहाँ पर ट्रेन कैसी है? आमने सामने से, एक ऐसे जा रही है एक ऐसे, तो आमने सामने से कभी भी हो तो याद रखिएगा प्लस करते हैं, और एक ही दिशा में चलें ट्रेन तो क्या करते हैं? माइनस। याद रखिएगा, समझ में आ रही बात? आमने सामने से कभी आए गाड़ियाँ तो उनकी चाल को प्लस करते हैं, और एक ही दिशा में चले तो माइनस करते हैं। तो यहाँ पर आमने सामने से आ रही है तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो यहाँ पर दूरी कितनी बची? देखिए अभी क्या है, जो पहली ट्रेन है वो भी 8 बजे चलेगी, ये भी 8 बजे चलेगी, तो दोनों को कितनी दूरी कवर करनी है? 45 की। कितनी दूरी कवर करनी है? 90 की दूरी करनी है कवर। कितने की? 20 इसकी चाल है, 25 इसकी चाल है, आमने सामने से आ रही है, जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? 45 की हो जाएगी। 45 से 90 कटेगा 2 बार में। अब कितने बजे टाइम किया है इनका? 8 बजे का टाइम है ना चलाने का, 8 AM का टाइम है इनका चलने का, इसका भी और इसका भी। 7 था, 7 से हमने इसका 8 बना लिया, इसका भी 8, इसका भी 8। अब 2 घंटे बाद मिलेंगे, तो 8 से 2 घंटे कब हो जाएंगे? 8 में प्लस 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 AM पर, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि ए की ओर जाती है, वे किस समय मिलेंगी? वो 10 बजे मिलेंगी सुबह के। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक कांस्टेबल एक चोर से 114 मीटर पीछे है। एक कांस्टेबल एक चोर, चोर मतलब थीफ, से कितना पीछे है दोस्तों? आपसे कहेंगे 114 मीटर। चोर आगे आगे दौड़ रहा है, पीछे पीछे कांस्टेबल दौड़ रहा है, ठीक है। चोर आगे आगे, कांस्टेबल पीछे पीछे, इनके बीच की जो दूरी है वो 114 मीटर की है। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो कांस्टेबल है वो 21 मीटर प्रति मिनट, कांस्टेबल की रेस कितनी है, कांस्टेबल की दौड़ कितनी है? 21 मीटर की है प्रति मिनट, ठीक है। और जो चोर की है वो 1 मिनट में 15 मीटर है। चोर की कितनी है? 1 मिनट में 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर 1 मिनट में। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया, चोर भी आगे आगे भाग रहा है, कांस्टेबल उसके पीछे पीछे, ये चोर भागेगा कांस्टेबल उसके पीछे भागेगा, तो ये एक ही दिशा में तो भाग रहे हैं, तो माइनस कर देंगे इनकी चालों को। मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया, जब आमने सामने से आते हैं जोड़ देते हैं, और जब एक ही दिशा में चलते हैं तो माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर एक ही दिशा में चल रहे हैं तो क्या करेंगे? चालों को माइनस कर देंगे। तो कांस्टेबल की चाल 21 की है, चोर की चाल 15 की है, तो कांस्टेबल की चाल 6 ज़्यादा है, 21 में से मैं 15 घटा दूंगा, 6 तो बचेगा। तो जो कांस्टेबल है वो 6 मीटर अधिक दौड़ रहा है 1 मिनट में, कांस्टेबल चोर से, ठीक है। टोटल दूरी कितनी है? 114। 1 मिनट में कितना अधिक दौड़ रहा है? 6। जब 6 अधिक दौड़ रहा है तो इस 64 कितने में दौड़ेगा?
छः एक कम छः पाँच बचेगा, 54 6 4 19 मिनट में पकड़ लेगा। 19 मिनट कहाँ दे रखा, पहले ऑप्शन में, ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। सबकी समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि ट्रेन की गति 63 किलोमीटर पर घंटा है तो चलती ट्रेन की दिशा में 3 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलने वाले व्यक्ति को पार करने में 500 मीटर लंबी ट्रेन को कितने सेकंड का समय लगेगा। देखिए ट्रेन चल रही है 63 की चाल से और जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उसी दिशा में 3 किलोमीटर की चाल से एक व्यक्ति भी चल रहा है। ये ट्रेन चल रही है 63 की चाल से, 3 किलोमीटर की चाल से व्यक्ति चल रहा है और ट्रेन की इस दिशा है तो व्यक्ति की दिशा भी एक ही है। जब एक ही दिशा में चलते हैं तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, मैंने बताया था। तो 63 में से 3 घटा देंगे तो कितना आएगा, चाल बचेगी 60 की। अब देखिए यहाँ पर घंटा है, यहाँ पर सेकंड है, तो चाल को क्या करेंगे, चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। छोटी यूनिट में जब चेंज कर रहे हैं तो छोटी संख्या ऊपर आ जाती है, 5/18 आ जाता है। इस चीज़ को बहुत बार मैं बता चुका हूँ। अब देखिए इसे मैं कटा दूंगा 6 से 10 बार में, 6 से कटेगा ये 3 बार में, 10^5 से करो 50 आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा, तो चाल कितनी हो गई, 50/3 मीटर पर सेकंड में चाल चेंज हो गई। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, समय पूछा गया है, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल होता है। समय बराबर दूरी कितने की है, 500 मीटर की है, तो मैं 500 रखूँगा। चाल कितनी है, 50/3, 3 का मतलब कहाँ है, ये ऊपर आके 3 जो होता है वो ऊपर में गुणे में हो जाता है, तो मैं ऊपर में गुणे में लिख दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, 0 से 0 कटाऊंगा, 5 से कटेगा ये 10 बार में, 10^3 से 30 सेकेंड का समय लगेगा, ये आपका आंसर आ गया। 30 सेकेंड दे रखा है बी ऑप्शन में, ये आपके क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा कि जिसकी समझ में नहीं आया हो। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संजना 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से स्कूल जाती है और 5 मिनट देरी से पहुँचती है। वह 6 किलोमीटर की चाल से जाती है तो 10 मिनट पहले पहुँचती है। उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है। ये प्रश्न एग्जाम के लिए कितना ज़रूरी है आप सभी जानते हैं। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो इसकी जो ट्रिक है उसको एक बार नोट कर लीजिए। आप कहेंगे सर कितनी ट्रिक लिखवाएंगे, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, नोट मत कीजिए तब भी समझ में आ जाएगा। स्पीड 1 गुने स्पीड 2 बटे में क्या आ जाएगा, स्पीड 1 और स्पीड 2 का अंतर आ जाएगा। गुने में जो समय दे रखा है उसको लिख लीजिए जोड़ करके, जो भी समय है सबको जोड़ करके लिख के 100 से 60 से क्या कर देंगे डिवाइड, बस आ गया आंसर। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट डाल लेना। अब देखिए स्पीड 1 कितनी है आपकी, स्पीड 1 है 4, तो मैं 4 लिख दूंगा। गुने स्पीड 2 कितनी है, 6 है, तो मैं 6 लिख दूंगा। बटे में स्पीड 1 स्पीड 2 का अंतर, तो मैं दोनों का अंतर कर लूँगा, कितना जाएगा 2। गुने समय कितना है, 10 मिनट का समय यहाँ, 5 मिनट का यहाँ, टोटल समय 15 मिनट, बटे में कितना 60, बस आ गया आंसर। अब तो कुछ नहीं बचा, अब तो आंसर आ जाएगा 2 से मैं कटाऊँगा, 6 को 3 बार में कटेगा और 3 से दोस्तों 60 कटेगा 20 बार में, और 4 से कटेगा 20 5 बार में, और 5 से कटेगा 15 3 बार में। तो 3 किलोमीटर आपके प्रश्न का क्या आ गया, सही आंसर आ गया 3 किलोमीटर। तो उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर की दूरी है, पहले ऑप्शन में दे रखा है। सबकी समझ में आ गई बात, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बता देना। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक कार 108 किलोमीटर की औसत गति से एक चक्कर पूरा करने के लिए 15 मिनट लेती है। एक चक्कर को 12 मिनट में पूरा करने के लिए इसकी गति कितने किलोमीटर पर घंटा बढ़ानी चाहिए। देखिए दूरी कितनी है आप जानते हैं, दूरी है कितनी 108 किलोमीटर की। इस 108 किलोमीटर की दूरी को तय करने में पहले कितना समय लग रहा था, यहाँ पर मैं बोलूँगा पहले का समय कितना था 15 मिनट का, और अब कितने समय में हमें इसको तय करना है, अब समय में इसको तय करना है 12 मिनट में। पहले 15 मिनट में तय कर रहे थे, अब करना है तय इसी दूरी को 12 मिनट में। तो ये क्या है, समय है, ये क्या है दोस्तों, समय का अनुपात आपका, ठीक है, ये आपका समय का अनुपात मैं लिख सकता हूँ। अब देखिए आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, मैंने भी आपको बहुत अच्छे से बताई है कि समय का जस्ट उल्टा चाल, चाल का जस्ट उल्टा समय। तो यहाँ पर समय का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका चाल हो जाएगा। तो मैं पलट दूंगा, 12 आपका इधर आ जाएगा, 15 आपका इधर आ जाएगा। समझ में आएगी दोस्तों बात, इतनी बात क्लियर है। तो देखिए पहले समय कितना लग रहा था 15 मिनट का, और अब समय कितना लगेगा 12 मिनट का।
12 मिनट का समय लगेगा, 12 से 15 होने में कितना समय लग रहा है? पहले 15 लग रहा था चाल, पहले चाल 12 थी, अब कितनी लग रही है? चाल 15 की कितनी पड़ रही है? 3। कितनी पड़ रही है दोस्तों? 3। तो याद रखिएगा यहाँ पर हमें कितने में, 12 मिनट में तय करनी है ना। पहले 15 मिनट में हम 108 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे थे, अब 12 मिनट में तय करनी है 108। तो 12 मिनट बराबर 108, तो 1 मिनट बराबर कितना आप कहेंगे? सर 9। 1 बराबर 9 तो 2 बराबर कितना? 18। और 3 बराबर कितना हो जाएगा आप कहेंगे? सर 27। तो यहाँ पर 3 ही तो निकल के आया है, तो 3 बराबर कितना? 27 हो जाएगा। यहाँ पर 12 से चाल कितनी बढ़ानी पड़ रही है? 3। 12 से 15 हो रही है तो चाल कितनी बढ़ानी पड़ रही है? 3 अनुपात में बढ़ानी पड़ रही है, किलोमीटर में कितनी बढ़ानी पड़ रही है? 27। तो कितनी बढ़ानी होगी? 27 किलोमीटर बढ़ानी होगी कि नहीं? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। सबकी समझ में आ गई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 200 किलोमीटर की चलता किलोमीटर चलता है पर 40 मिनट देरी से पहुंचता है। देखिए कोई भी व्यक्ति है वो 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 200 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पर चाल भी दे रखी है, दूरी भी दे रखी है, लेकिन समय नहीं दे रखा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे? समय निकाल लीजिए। समय बराबर आप जानते हैं क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। ठीक है, दूरी आपको दे रखी है 200 किलोमीटर की, चाल दे रखी है 50 की, तो 0 से 0 कटेगा, दो 5 से कटाऊंगा 4 को, 5 के 20, तो समय कितना निकल के आएगा? 4 घंटे का समय निकलेगा। ठीक है, 4 घंटे का समय निकलेगा। फिर बाद में क्या कह रहा है? बाद में यहाँ पर भी दोस्तों क्या करेंगे? समय निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी क्या पूछा गया है? कितने समय पहले पहुँचेगा, यही तो पूछ रहा, तो समय निकालना है। दूरी आपकी कितनी है? 200 किलोमीटर की ही तो है, और चाल कितनी है यहाँ पर? 80 की है, तो यहाँ पर मैं कटाऊंगा कितना आएगा? 0 से 0, 8 से कटाऊंगा 20 को, 8 दुनिया का 16, 4 बचेगा नहीं जाएगा 10.40, 8 5 40, 2.5 घंटे मतलब 2.5 घंटे आ गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए, 4 घंटे का मतलब क्या है? 240 मिनट। 2.5 घंटे का मतलब क्या है? 150 मिनट। दोनों का मैं अंतर करूंगा, पहले 240 मिनट में पहुंच रहा था, दूरी तय कर रहा था, समय लग रहा था, अब 150 मिनट का समय लग रहा है। कितना कम समय लग रहा है? आप बोलेंगे 90 कम लग रहा है, 240 में से 150 घटा देंगे, 90 कम समय लग रहा है। और यहाँ पर कितनी देरी हो रही थी? 40 मिनट की देरी यहाँ पर हो रही थी, तो अभी तो हमारे पास 90 हो रहे हैं प्लस के, तो इसमें से 40 मिनट की जो देरी हो रही है उसे भी घटा दीजिए, 90 से मैं 40 घटा दूंगा, तो 50 मिनट आपके प्रश्न का सही आंसर है। कितने समय पहले पहुंचेगा? 50 मिनट पहले पहुंचेगा। ये क्या हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न क्या होगा, सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।